महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राष्ट्रीय सेवा योजना एवं ललित कला विभाग के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस मिशन लाइफ के अवसर पर 25 मई को ललित कला विभाग के सभागार में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 46 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पश्चात विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि छात्र छात्राओं के पोस्टर में ललित कला विभाग भारत माता मंदिर परिसर में पिछले दिनों काटे गए पेड़ पौधे से काफी दुखी दिख रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ललित कला विभाग के छात्र छात्राओं के रंग ब्रश से आप लोग आकृति बनाए हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डालें जिससे कि समाज और देश के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत पर्यावरण एवं अन्य योजनाओं को गाँव गाँव तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इस ललित कला विभाग के छात्र छात्राओं के रंग ब्रश से दूर दूर तक संदेश दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार का कार्य मानव कल्याण, समाज सुधार, चरित्र निर्माण में चित्रों का बड़ा योगदान है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार गौतम, प्रोफेसर प्रेमचंद विश्वकर्मा, प्रोफेसर अमिता सिंह, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर स्नेहलता कुशवाहा, डॉक्टर सविता यादव, डॉक्टर शुभ्रा वर्मा, शालिनी कश्यप आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन विभाग के भागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने किया। आज एक पेंटिंग का कंपटीशन कराया है, इसमें जो भी पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं जो आज विश्व झेल रहा है, जो आज हमारा देश झेल रहा है, उन सभी का चित्रांकन करना था। तो बच्चों ने समसामयिक विषयों को लेकर पर्यावरण जागरूकता के लिए जो जो भी किया जा सकता है वो अपने चित्रों में अंकित किया और प्रतिभाग काफ़ी रहा। लगभग 2 के करीब बच्चों ने प्रतिभाग किया और उसी में हम लोगों ने प्रतियोगिता का स्वरूप देते हुए 5 अच्छी जो कलाकृतियाँ थीं उनका चयन किया, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय उनको सांत्वना पुरस्कार दिए गए। सारे बच्चों के चित्र बहुत ही मनोहारी हैं और विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि उन सभी को हम रिजर्व करके लैमिनेट करवा के रखें ताकि भविष्य में जो बच्चे आएँ और उन्हें देखें तो कम से कम काशी विद्यापीठ के बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ें उनके मन में अनायास ही आ जाएं।